ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी ने एक अखंड पाठ का आयोजन किया जो 15 सितंबर को शुरू हुआ और 17 सितंबर को समाप्त हुआ। इस अखंड पाठ में हजारों सिख भक्तों ने भाग लिया। ये शायद अपनी तरह की पहली पहल थी जब किसी गुरुद्वारे ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अखंड पाठ का आयोजन किया था। इस अवसर पर गुरुद्वारा द्वारा लंगर, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा का एक प्रतिनिधिमंडल आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री जी के आवास पर प्रसाद और आशीर्वाद देने गया। दसों बादशाहों की आत्मा को धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अरदास बेनती है। सिख प्रतिनिधिमंडल ने पगड़ी बांधकर और सरोपा भेंटकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की अरदास भी की गई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्हें सिख समुदाय का हिस्सा महसूस कराने के लिए उनके हाव भाव से वह विनम्र और गहराई से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सिख समुदाय के कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण के लिए की गई महत्वपूर्ण पहल के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगरों पर GST को हटाने और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत लाने सहित प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कई प्रयासों को याद किया। और इस खबर पर सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, इस तरह का सम्मान, प्रेम का जाहिर करना सिख समुदाय की तरफ से, शायद हम पहले प्रधानमंत्री को देख रहे हैं कि जिस तरह से उनके जन्मदिन के अवसर पर सिख समुदाय ने इस तरह की एक विनम्र भेंट उन्हें आके दी। जी ऋतु, और देखिए, ऐसा पहली बार सिख समुदाय की तरफ से एक गुरुद्वारे की तरफ से किया गया है। आज एक अखंड पाठ पीएम मोदी के लिए 15 तारीख से 17 तारीख तक, 17 सितंबर हम जानते हैं कि पीएम मोदी का जन्मदिन होता है, और हमने देखा कि देश भर में तमाम पंथ समुदाय वर्गों के लोगों ने अलग अलग तरीके से मनाया, और ये खास तौर से पीएम मोदी की सिख समुदाय के प्रति जो संवेदनशीलता रही है, सिख समुदाय की एक तरह से आप कह सकते हैं जो सेवा का भाव उन्होंने दिखाया, तो मुझे लगता है कि उसके बदले और एक तरह से सिख समुदाय ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की है अलग तरीके से, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए, हेल्थ कैंप के जरिए इस पूरे फंक्शन को उन्होंने मनाया, और आज वो प्रसाद लेकर हमने देखा कि पीएम के पास पहुंचे। पगड़ी कितनी आत्मीयता से उन्होंने पीएम मोदी को पगड़ी बांधी, उनको सरोपा भेंट किया, तो निश्चित तौर पर, और ये बीते 8 वर्षों में खासतौर से पीएम मोदी का जो सिख समुदाय को लेकर, आपको याद होगा कि जो पीएम मोदी साल 2014 में जब आए थे तो उनके शुरुआती फैसलों में था कि 1984 के जो दंगों के पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए SIT का गठन करना। उस SIT के गठन के चलते हम जानते हैं कि अब उसके अपराधी जेल में भी हैं। तो इस तरह की जो तमाम पहले, चाहे सिख समुदाय से जुड़े हुए स्थानों को आपस में कनेक्ट करने की बात हो, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की बात हो, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की, तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की बात हो, तो या फिर सिख समुदाय से जुड़े हुए गुरुओं के विचारों को पूरी दुनिया में प्रसार करने की बात हो। आपने भी जानकारी दी, करतारपुर कॉरिडोर जिसका दशकों से इंतजार किया जा रहा था उसकी बात हो, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं सिख समुदाय के मन को छूती रही है, और वो जो प्रेम पीएम मोदी का सिख समुदाय के प्रति रही, कहीं उसका एक तरह से प्रधानमंत्री को आभार जताने। सुधाकर, आपने जिक्र किया 1984 के नरसंहार का भी,
इन दृश्यों को राजनीतिक चश्मे से हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियां भले ही देखती हों, लेकिन जिस तरह से देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में हमने 1984 की जो पूरी घटना देखी, उसके बाद से इस पूरे समुदाय में, जो कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय है ये देश में, इसके प्रति और इसमें एक विश्वास बहाली के तमाम वो कदम जिसके तहत उनमें एक बार फिर लगा कि सत्ता के केंद्र में रहने के बावजूद भी इस माइनॉरिटी की तरफ लगातार ध्यान भी दिया जा रहा है और उन उस विश्वास को और मजबूत करने की कोशिश सरकार की रही है। इस पहल को भी आप देखते हैं कि उसने भी एक तरह से ये पूरा एक रेसिप्रोकेशन है। बिल्कुल, और देखिए ऋतु, 1984 के बाद 30 साल लग गए एक SIT के गठन में, और देखिए उस SIT की वजह से एक तरह से अपराधियों को सजा दिलाई जा सकी है, स्पेशल उनको कंपनसेशन देने की बात हो, ये बहुत छोटी सी पहल है, कोई और भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन ये जो संवेदनशीलता पीएम मोदी की रही है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, जिस तरह से एक दृढ़ इच्छा शक्ति पीएम मोदी की तरफ से दिखाई दिया, और हम जानते हैं कि करतारपुर साहिब को लेकर जो सिखों के मन में किस तरह का भाव है, जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं सिख धर्म स्थलों को आपस में देश भर में, और लगातार हमने देखा कि बीते दिनों उन्होंने सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात, उनको कहा था कि ये आपका घर है, आप जब चाहे यहाँ पधारे, आपको जब चाहे जो कुछ कहना है यहाँ आकर कह सकते हैं, और लगातार एक तरह से उनके भीतर ना सिर्फ भरोसा बहाली की बात, लेकिन सिख गुरुओं के विचारों को आगे बढ़ाने की बात। वीर बाल दिवस आपको याद होगा, गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे उनको दीवार में चुनवा दिया गया था, हम जानते हैं कि इतिहास में न्याय नहीं किया गया आज तक, लेकिन पीएम मोदी के की पहल पर 26 दिसंबर को आज हम वीर बाल दिवस भी मनाते हैं, तो इस तरह के कई चाहे लंगर को GST से मुक्त करने की बात हो, इस तरह के कई कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो दशकों में नहीं उठाए गए, और वो संवेदनशीलता, वो संभाव, वो प्रेम पीएम मोदी के आप देख सकते हैं कि वो कोई भी भेंट लेकर आते हैं और किस प्रेम भाव के साथ वो पगड़ी को स्वीकार कर रहे हैं, प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये जो संवेदनशीलता, यही वजह है कि अखंड पाठ में हजारों लोग शामिल हुए गुरुद्वारे में, और उन्होंने पीएम मोदी के लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी, और आज ये डेलीगेशन गुरुद्वारे का उनकी मुलाकात हुई पीएम मोदी से। जी सुधाकर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर।